दोस्तों, मैं पिछली वारी तुहाडे नाल जिक्र किया सीगा कि गुरुद्वारिआं दे उत्ते अज जिहड़े झंडे झुल रहे ने इह सिखां दे झंडे नहीं हन। इह केसरी झंडे दा केसरी रंग दा सिखां दे नाल कोई संबंध नहीं है। होया इस तरह सीगा भी इत्थे इक झंडा बुंगा हुंदा सीगा। झंडा बुंगा अज भी जिथे दो निशान साहब लगे आ दरबार साहब दर्शनी जोड़ी और अकाल बुंगे की इमारत के विचकार खब्बे पासे जिहड़े दो निशान ने उहदे पिछे जिहड़ी इमारत है उहनूं जिहड़ा झंडा बुंगा कहिंदे सीगे। बुंगा ये उदासियां दा सीगा। इहदे बाद एक झंडा लगा होया सीगा जिहड़ा कि संतोख दास उदासी ने जिहड़ा लिया के वड्डा सरा दरख्तां तणा लिया के लाया सीगा। उहदे उत्ते भगवे रंग दा झंडा लगा होया सीगा। गवर्नर ननिहाल सिंह महाराज रणजीत सिंह पुत्र खड़क सिंह का पुत्र सी, रणजीत सिंह यानी पोता सीगा। जदों एक करी अमृतसर आया तो उन्हें देखा भी वह झंडा डिग पिया। उसने उसकी थान पर एक पक्का वधिया झंडा लगवा दिता जिहड़ा कि उदासियां का झंडा उहदे उत्ते लगा रहा। उहदे नाल इक उन्हें होर झंडा लवा दिता, उहदे ते भी उदासियां का भगवे रंग का झंडा सी। हुण इह गल्लां जिहड़ियां ने डॉक्टर हरजिंदर सिंह दिलगीर नहीं दस रहा। तुसीं जेकर भाई कान सिंह नाभा दा महान कोश चुक के झंडा बुंगा वेखो तो उहदे च तुहानूं इह एंट्री मिल जाएगी भी वह निशान साहब जिहड़ा जिहनूं अज कहिंदे हो वह झंडा बुंगे दे उत्ते झंडा उदासियां दा लगा सीगा, भगवे रंग दा झंडा सी। फिर हौली हौली इहदा रंग बदलदा गया, बसंती आ गया। बसंती तो राजपूतां दा रंग केसरी लग गया। अज गुरुद्वारिआं ते जिन्ने झंडे लगे हुए ने इह सारे दे सारे राजपूतां दे झंडे हन, सिखां दा कोई झंडा नहीं है। तो जिहड़े हुण इक होर वी इन्हां ने नवां बाद च सोचा छड़िया भी ये दो निशान साहब मीरी ते पीरी दे निशान ने जिहड़े दरबार साहब दे विच ने। हालांकि कोई मीरी पीरी दे निशान नहीं, ये दोवें निशान साहब जिहड़े ने उदासियां दे ते राजपूतां दे रंग दे निशान ने। हुण गुरु साहब ने किहड़ा निशान दित्ता सी मैं तुहाडे नाल चर्चा करना चाहांगा। यह गल 16 जनवरी 1704 की है। दर अमृतसर आनंदपुर साहब च गुरु साहब रहिंदे सी ते आनंदपुर साहब बिलासपुर दे राजा जिहड़ा वो अक्सर हमले करता सी, कहडूरी हमले करते सी अजमेर चंद खास करके, क्योंकि भीम चंद ते राणी चंपा उहदी मां जिहड़ी सी उहदे मरण तो बाद भीम चंद का पुत्र अजमेर चंद राजा बनया। उहदा जिहड़ा वजीर ब्राह्मण सीगा परमानंद पम्मा वी नूं कहिंदे आ ब्राह्मण, उसने आके इहनां दे ते सिखां दे विचकार जिहड़ी है दुश्मनी पैदा कर दित्ती है। तो उहने हमले करने शुरू कर दित्ते आ। तो यह हमला जिहड़ा आखिरी हमला जिहड़ा सीगा, उस तो पहला हमला आखिरी सीगा। इस तो बाद जिहड़ा 3 मई नूं जिहड़ा आनंदपुर साहब इन्हां ने नाकाबंदी करती, आखिरी हमला जिहड़ा 16 जनवरी 1704 दे दिंदा है। और जदों 4 दे हमले विच जदों सिख जिहड़े आ डट के लड़े ने इन्हां दी फौजां नाल, गिनती दे फौजां होया करदे सन उदों, हज़ारां विच नहीं सी सैकड़ियां च हुंदे सन। तो जिहड़ियां बिलासपुर दीआं फौजां आईआं सी कैदूरी फौजां उहनां दे नाल लड़ रहे सन ते सिख अपना निशान साहब लै के खड़े सन। भाई मान सिंह, मान सिंह ने निशान साहब नीडा चुकया होया सीगा। तो उस वेले लड़ाई हुंदी है ते भाई मान सिंह दे जदों अटैक होया ते वह डिग पिया, नाल ही निशान साहब नीडा निशान साहब डिग पिया। गुरु साहब का निशान साहब नीडा सी। साढ़े कोल गुरु कीआं साखियां विच इस गल का जिक्र आउंदा है कि वह 16 जनवरी 1704 दे दिन जदों निशान साहब के डिगण की खबर गुरु गोबिंद सिंह साहब उस वेले आनंदगढ़ किले च बैठे सन। यह घटना तारागढ़ किले की है। तो जदों गुरु साहब नूं इस दी खबर आई है तो गुरु साहब ने उहदे ते कुछ पल सोचिया ते इस दे नाल ही अपनी जिहड़ी है उपर उहनां दे जिहड़ी सुरमई रंग दी दस्तार सी ते थले जिहड़ा नीला उहनां ने दस्तारा पहनिया सीगा, केसकी पहनी हुई सी। तो उहनां ने नीली केसकी दा इक टुकड़ा कट्टिया खिच के पाड़िया और अपने दस्तार दे नाल लटका रहा है। तो उन्होंने कहा भी अज तो सिखां दा नीला निशान साहब जिहड़ा वह कदे डिगेगा नहीं, कदे झुकेगा नहीं, यह हमेशा ही दस्तार दे नाल लगा होगा और अपनी दस्तार दे नाल साडा निशान साहब लटता रहेगा। तो वह निशान साहब जिहड़ा जदों उन्होंने गुरु साहब ने लाया ते भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह मान जिन्हें भी होर साथी नाल बैठे सन उन्होंने सारिया ने भी अपनिया केसकियां विचों एक एक छोटा जिहा कपड़ा लाया और नाल लटका लिया। हर एक की दस्तार के नाल खालसे का नीला निशान साहब है। आम तौर पर कहा जाता है भी साहबजादा फतेह सिंह जिहड़ा सब तो छोटा सीगा उन्हें भी जिहड़ा एक अपनी दस्तार के नाल इस तरह लटका लिया। तो कई कई ने भी वैसे बाद शुरू कर दिता कि फतेह सिंह तो बाद जिहड़ा फतेह सिंह भाई फतेह सिंह तो, या कई ने कहना मान सिंह डिग्गिया सीगा तो मान सिंह का निशान साहब से मान सिंह तो निहंगा दी शुरुआत होंदी है। एक्चुअली निहंगा की शुरुआत इस तरह नहीं होंगी, निहंग हर एक फौजी जिहड़ा सिख वह निहंग होया करता सीगा, सारी फौज जिहड़ी सी निहंग सीगी।
न्यांगो ने जिहड़े निशंग ने किसी चीज़ तो परवाह नहीं करते, जिन्हां दी जिन्हां ने अपनी जिंदगी जिहड़ी है वह अर्पण की होंदी है और अपनी सारी जिंदगी कौम दे देखे लाई होंदी है, वह न्यांग होंदे हन। तो उन्हां दे कोल जिहड़ियां दस्तारां ने उस निशान साहब दियां निशानियां ने, निधी निशान है न्यांगा दे। तुसीं किसी भी गुरुद्वारे दे उत्ते जाके देखोगे असल गुरुद्वारे उही ने, उत्थे निशान साहब निडे नज़र आउंदे आ, क्योंकि न्यांग जिहड़े सन खालसा फौज सन ते खालसा फौज ने गुरु साहब दा निशान साहब जिहड़ा वह सदा ही कायम रखिया है, भावें नैणा सिंह सी भावें अकाली फूला सिंह सी ते भावें उस तों बाद अकाली फूला सिंह दी छावनी दे उत्ते वी ते हर थां ते निडे निशान साहब रहिंदे सन। अज गुरुद्वारियां उत्ते राजपूतां दे उदासियां दे निर्मलियां दे ए केसरी ते पीले ते बसंती निशान साहब लटक रहे हन। पुरानी किसी तवारीख विच जिक्र नहीं आउंदा इस रंग दा, उत्थे वी जिथे जिक्र आएगा निडे रंग दा जिक्र आएगा। अंग्रेज़ां ने भी जिहड़ा जिक्र कीता है सिखां दी फौज दा, खालसियां दा, निहंगां दा, उहदे च नीला निशान साहब भी जिक्र किया है। तो अज गुरुद्वारियां दे उत्ते जिहड़े निशान साहब लगे हन वह सिर्फ अंदर ब्राह्मणी मर्यादा ही नहीं, बाहर निशान साहब भी जिहड़े ने वह झंडे जिहड़े ने वह राजपूतां दे लगे हन। देखो सिखां नूं कदों समझ आउंदी है भी गुरुद्वारियां दे उत्ते गुरु दा नीला निशान साहब लाउंदे आ, ते इह जिहड़े ब्राह्मणी मर्यादा दे, राजपूत मर्यादा दे, उदासी मर्यादा दे, पीले केसरी और बसंती रंग दे जदों झंडे लाउणगे उदों खालसे दा जेकर सही राज लियाना ते खालसे दी मर्यादा लागू करनी पएगी। तो खालसे दी मर्यादा लागू करन लई इह केसरी नूं जलावतन करके ते राजस्थान विच राजपूतां तक भेजना पएगा या RSS दे हैडक्वार्टर नागपुर तक भेजना पएगा, ते इत्थे जिहड़ा आनंदपुर साहिब दा निशान साहिब जिहड़ा उह जिहड़ा निहंगां ने अज वी कायम रख्या नीला निशान साहिब लियाना पएगा। जद तक हर गुरुद्वारे ते नीला निशान साहिब नहीं जिहड़ा फहराया जांदा, जद तक दूरों नज़र नहीं आता भी ये खालसे का दे हकूमत वाले खालसे के धार्मिक ते सियासी ते रूहानी खुद मुख्तियारी का जिहड़ा चिन्ह है वह नीला निशान साहब, जब तक नीला निशान साहब नहीं आते गुरुद्वारे ते उदों तक गुरुद्वारे विच गुरु जिहड़ा उहदी मर्यादा लागू नहीं हो सकती, ते गुरु की मर्यादा तो बिना यह गुरद्वारा नहीं खवा सकता। गुरद्वारा तां ही है जे उत्थे गुरु के द्वारे ते आ के आपां उहनूं गुरु के दर्शन कर सकीए, गुरु का अहसास कर सकीए, गुरु की तवारीख याद कर सकीए, गुरु के असूलों नूं चेते कर सकीए, तां ही गल बनदी है। सो गुरुद्वारियां वास्ते जरूरी है कि इत्थे गुरु का नीला निशान साहिब लाया जाए। शुक्रिया।